सब्सक्राइब कीजिए अमीन इन्फो को और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि इग्नू में जो बीएड के एडमिशन है उसका जो प्रोसीजर है ऑनलाइन वो स्टार्ट हो गया है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जो ऑनलाइन फॉर्म है एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए वो कैसे फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो को पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम इग्नू की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पे सबसे नीचे हमको न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट के कॉलम में प्रोस्पेक्टस एंड यूज़र मैनुअल ऑफ बीएड इसका कॉलम नज़र आएगा, यहाँ पे हमको क्लिक करना है। दोस्तों, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ जाके भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ जाने के बाद आपको क्लिक हेयर फॉर डिटेल पर जाना है। यहाँ नीचे सब आएंगे तो आपको बीएड प्रोस्पेक्टस फॉर जनवरी 2019 सेशन, इसके आगे जो यूज़र मैनुअल होगा इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। इसमें आपका सारा प्रोसीजर है कि आपको कैसे वो जो फॉर्म है फिल करना है। तो सबसे पहले आप इग्नू की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर, वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इससे पहले जो डॉक्यूमेंट जो है वो आपको जो रेडी करके रखने हैं वो हैं स्कैन कॉपी ऑफ लेटेस्ट फोटोग्राफ जिसका साइज़ 100 KB तक होगा, और स्कैन सिग्नेचर आपका होना चाहिए। इसके अलावा स्कैन कॉपी ऑफ फाइनल ईयर मार्कशीट ऑफ योर रिलेवेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी जो भी बैचलर और मास्टर डिग्री होगी कि आपके पास वो भी आपको रेडी करके रखनी है, और स्कैन कॉपी ऑफ योर मार्क्स शीट सर्टिफिकेट डिप्लोमा प्रोग्राम ऑफ अ NCTE वेबसाइट विच यू हैव सक्सेसफुली कम्प्लीटेड इन फेस टू फेस मोड में, यानी फेस टू फेस मोड में जो आपने प्रोग्राम कंप्लीट किया है उसकी भी आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, और स्कैन कॉपी ऑफ योर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ़ रिक्वायर्ड, यानी अगर आप एक्सपीरियंस टीचर हैं, आप ऑलरेडी किसी स्कूल में पढ़ा चुके हैं तो वहाँ से जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी आपको कॉपी कर रेडी करके रखना है इसमें अपलोड करने के लिए। और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर कुछ आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं, और फी पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपके पास होना कंपलसरी है, या फिर नेट बैंकिंग। और स्कैन योर ओरिजिनल मार्कशीट ओनली, डो नॉट स्कैन फोटो कॉपी ऑफ योर ओरिजिनल मार्कशीट, यानी जो आपकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे वही आपको इसमें अपलोड करने हैं, फ़ोटो कॉपी अपलोड नहीं करने हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके सारा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसके बारे में। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन वाला पेज है वहाँ पर जाके रजिस्टर यूएसएल पर क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करते ही आपको ये कॉलम नज़र आएगा जिसमें आपको अपनी सारी डिटेल, अपना नाम, फादर नेम फिल करना होगा। ये सब आपको जो अपनी क्लास 10th की मार्कशीट है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, पासवर्ड क्रिएट करना है आपको सब। यहाँ पर सबमिट करने के बाद आपके जो इसमें यूज़र नेम और ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डाला होगा उस पर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आएगा। दोस्तों, उस यूज़र नेम और पासवर्ड से आपको लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन करना है, यानी यहाँ पे फिर लॉगिन का जो ऑप्शन आ रहा है लॉगिन हेयर, यहाँ पे क्लिक करके आपको लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये कॉलम नज़र आएगा जिसमें आपको नौ तरह की डिटेल जो है वो फिल करनी होगी, प्रोग्राम डिटेल, पर्सनल डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सब आपको फिल करनी होगी। एक डिटेल फिल करेंगे तो और नीचे ऑप्शन आएगा सेव का, पहले आप सेव पे क्लिक करेंगे या नेक्स्ट पे। सपोज़ आपने अपनी प्रोग्राम डिटेल सेलेक्ट करी बीएड और अपना रीजनल सेंटर आपके जो एरिया वाइज है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करा, आप इसको गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि आपके एरिया में कौन सा रीजनल सेंटर आपके नज़दीक पड़ेगा। तो उसको सब कुछ एंटर करने के बाद आपको पहले सेव करना है फिर नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट कॉलम आपका नज़र आ जाएगा। नेक्स्ट कॉलम में आपको फिर अपनी जो पर्सनल डिटेल है वो फिल करनी होगी, कुछ डिटेल ऑलरेडी इसमें फिल होंगी जो आपने रजिस्ट्रेशन करते हुए करी होंगी, उसके अलावा कुछ आपको इसमें फिल करनी होगी। रजिस्ट्रेशन पर्सनल डिटेल को फिल करने के बाद भी आपको सेम सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करना है तो आपका थर्ड पेज जो है क्वालिफिकेशन, यानी आपको उसमें जो आपने क्वालिफिकेशन अभी तक करी है, बैचलर डिग्री हो या मास्टर हो, उसको आपको वहाँ फिल करनी है। सबसे पहले आपको बैचलर डिग्री फिल करनी है, अपनी सारी इसमें परसेंटेज लिखनी है किस यूनिवर्सिटी से आपने करा, और अगर आपके मास्टर डिग्री भी है तो आपको नीचे एड एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर क्लिक करके अपनी जो मास्टर डिग्री है उसकी डिटेल भी आपको यहाँ फिल करनी होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करने के बाद आपको सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करना है, पहले सेव फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने फोर्थ ऑप्शन खुल जाएगा,
जिसमें आपको अपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है, यानी जो आपने एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोग्राम फेस टू फेस मोड वाला कर रखा है तो वो आपको यहाँ फिल करना है, नेम ऑफ प्रोग्राम, या फिर आपने कोई और डिप्लोमा कोर्स कर रखा है वो भी आप यहाँ पे अपना फिल कर सकते हैं, उसका ईयर, उसका परसेंटेज वगैरह आप सब यहाँ पे आपको फिल करना है। और अगर एक से ज़्यादा आपने प्रोफेशनल प्रोग्राम क्वालिफाई कर रहे हैं तो यहाँ पे एड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करके आपको दूसरा प्रोग्राम भी यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद सेव और नेक्स्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे, सेव और नेक्स्ट पे, फिर आपको जो है कॉरस्पॉन्डेंस यानी एड्रेस डिटेल आपसे पूछा जाएगा, अपना एड्रेस वगैरह, तो वो यहाँ फिल करेंगे। एड्रेस के बाद नेक्स्ट सेक्शन होगा वो टीचिंग एक्सपीरियंस, यानी अगर आप ऑलरेडी टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास है उस केस में आप येस पे क्लिक करेंगे और अपना सारा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है यानी किस स्कूल में आपने पढ़ा है, वो गवर्नमेंट स्कूल था या प्राइवेट स्कूल था, सब आपको यहाँ फिल करना है, कितने मंथ्स तक या कितने साल तक और उसमें क्या पोस्ट थी वो सब यहाँ पे आपको फिल करना है। अगर एक से ज़्यादा इंस्टीट्यूट में आपने या फिर एक से ज़्यादा स्कूल में आपने पढ़ा रखा है तो ऐड टीचिंग एक्सपीरियंस पे जाके आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो सेवन सेक्शन है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का है, यानी जो भी आपके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको अभी बताया था ऊपर, अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर और मार्कशीट वगैरह, वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। उसका साइज़ आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि 100 KB मिनिमम साइज़ था फोटोग्राफ का और सिग्नेचर का 50 KB था, और भी डॉक्यूमेंट का जो था अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उनका तो जो साइज़ है वो आपको 50 या 100 KB में ही अपलोड करना है। अगर ज़्यादा अपलोड करेंगे आप ज़्यादा साइज़ का तो वो इसमें अपलोड नहीं हो पाएगा और रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों प्लीज़ इंश्योर दैट यू हैव अपलोडेड स्कैन कॉपी ऑफ योर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एविडेंस, मार्कशीट, सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, NCT रिकॉग्नाइज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, यानी ये सब सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने हैं। और दोस्तों अगर आप जब आप टीचिंग एक्सपीरियंस अपना फिल करेंगे, अगर आपके पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ नो पे भी क्लिक कर सके सेव और नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों लास्ट स्टेप जो आपका होगा वो फी का होगा। सेकंड स्टेप जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे उसके बाद सेव और नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद आपके पास ऐसा पेज नज़र आएगा जिसमें आपने अभी तक जो डिटेल फिल करी होगी वो शो होगी, और अगर आपको कोई डिटेल में करेक्शन करनी है तो आप एडिट पे क्लिक करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। उसको करेक्ट करने के बाद भी आप यहाँ नीचे जो बॉक्स नज़र आएगा सेल्फ डिक्लेरेशन का, उस पर क्लिक करके नीचे एक्सेप्ट पर आपको फिर क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म फुलफिल हो जाएगा, प्रोसीड हो जाएगा, तो आप फिर आपको ये फ़ी पेमेंट के पेज पर ले जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि आप फ़ी किस के थ्रू पे करेंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर किसी और मोड के थ्रू, तो वो यहाँ आपको सेलेक्ट करके फ़ी पेमेंट करनी है। फ़ी डिटेल आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ जाएगा। मेक पेमेंट पे क्लिक करके आपको अपनी जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल है सब कुछ यहाँ पे आपको फिल करनी होगी। और तो उसकी जो लास्ट डिटेल है वो 15 नवंबर है, यानी 15 नवंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जो उसकी एंट्रेंस डेट है वो दिसंबर में होगी, एग्जैक्ट डेट अभी तक उसकी नहीं आई है। और फर्दर डिटेल जो उसकी फ़ीस है वो 50,000 है, और फर्दर डिटेल के लिए आप इसकी प्रोस्पेक्टस है वहाँ जा सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस है वो भी आप पढ़ लीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है एनी रीजनल सेंटर इग्नू हेडक्वार्टर विल नॉट एक्सेप्ट एनी फॉर्म फिल्ड एंड सेंड इन हार्ड कॉपीज, यानी हार्ड कॉपीज में कोई फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नो चेंज ऑफ कैटेगरी शैल बी रिटेन आफ्टर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद अपने अपनी कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते। लास्ट डेट फॉर रिसीप ऑफ ऑनलाइन फिल एप्लीकेशन फॉर्म विल बी द डेट एज मेंशन, जो कि 15 नवंबर है, उसके मतलब वो एक्सटेंड नहीं होगी, उसके बाद आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। और जो आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसकी प्रिंट आउट आपके पास होनी चाहिए फर्दर रेफरेंस के लिए, यानी जो आप फॉर्म फिल करेंगे उसको प्रिंट आउट निकाल के आपको अपने पास रखनी है। एप्लीकेशन सबमिटेड विदाउट कॉपीज ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विल बी समरली रिजेक्टेड, यानी अगर आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे तो अब आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी, एक्सेप्ट नहीं होगी।
जब आप फी पेमेंट कर देंगे दोस्तों तो एक फाइनल सबमिट फॉर्म आपके सामने अपेयर होगा कुछ इस टाइप का। इसमें यहाँ आपकी फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर होगी, इसमें नहीं दिखा रहा क्योंकि ये तो एक गाइडलाइंस है इसमें, लेकिन यहाँ आपकी फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर शो होगी। तो इस फॉर्म को आपको प्रिंट करके रख लेना होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोसीजर समझ आया होगा, उम्मीद है। और फिर भी कोई क्वारीज होती हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने चैनल की डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ जाके भी जुड़ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। शुक्रिया।